भाई सब नकली है। अवतार 2 द वे ऑफ वाटर देखने के बाद मेरा दिमाग तो ये बात जानता है कि 3 घंटे 10 मिनट लंबी इस पिक्चर में दिखाया हर एक फ्रेम 90% से ज़्यादा VFX और CGI की मदद से बनाया गया है, बट फिर भी ये इतना खूबसूरत है कि तुम्हारी आंखें इसे सच मानने के लिए मजबूर हो जाती हैं। सिर्फ CGI बेस्ड इमेजिनरी करेक्टर्स, जिन्हें यहाँ नावी बोला गया है, उन पर पूरी कहानी दिखाना तो पुराना हो गया था, बट इस बार तुम इसके प्लैनेट की खूबसूरती में खो जाते हो। अगर तुम्हें इसकी ये लेंथ लंबी लग रही है तो इसे एक डिस्कवरी की डॉक्यूमेंट्री की तरह देखो, जहाँ तुम कोई स्टोरी एक्सपेक्ट नहीं करते बट फिर भी उसकी खूबसूरती के चलते 1.5 घंटे तक खो जाते हो। और यहाँ तो जेक सली और नेत्री के प्यार के चलते हमें हॉलीवुड की दूसरी फैमिली भी मिल चुकी है, जिनके करेक्टर्स को डेवलप करने में ही आधे से ज़्यादा टाइम निकल जाता है। बट एट द एंड तुम उसके करेक्टर से ही नहीं बल्कि नेचर और एनिमल्स लाइक ओलू और खिलकान से भी कनेक्ट करते हो। हालांकि स्टोरी का प्लॉट काफ़ी बेसिक सा है, जहां फर्स्ट पार्ट के विलन्स को नावी के रूप में नया अवतार मिला है और अब वो जेक सली और उसकी फैमिली से अपनी मौत का बदला लेना चाहते हैं। ये प्लॉट तो केवल इस पार्ट के लिए था। अगर पूरी फ्रेंचाइजी के बिगेस्ट टेक्स की बात करें तो ह्यूमंस की ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण अर्थ अब उतनी हैबिटेबल नहीं रही है, जिसके चलते ह्यूमंस को अब पेंडोरा को ही अपने लिए हैबिटेबल बनाना पड़ेगा, जिसके लिए ये लोग अब और भी ज़्यादा तैयारी से आए हैं। अब की बार इनके शिप्स ही इतने बड़े हैं कि उनके आफ्टर बर्नर्स ने ही आधा जंगल जलाकर ख़त्म कर दिया और मजबूरन जेक सली के परिवार को तटवासियों के पास जाकर शरण लेनी पड़ी, जिनके कल्चर्स अलग हैं, जीने के तरीके अलग हैं, जीने के लिए चुनौतियाँ अलग हैं। वो सभी पानी के तरीकों को फॉलो करते हैं और पानी में रहने वाले जीवों को भी अपना परिवार मानते हैं, जिसमें से एक की मौत ही आगे चलकर फाइनल बैटल का कारण बनती है। यहाँ पानी के नीचे दिखाई दुनिया को अच्छे से कैप्चर करने के लिए जेम्स कैमरॉन ने 12 साल लिए थे और जो पैसा पानी की तरह बहाया है वो अलग। अब इसे भी रिकवर करने के लिए इस मूवी को अपने पहले पार्ट का रिकॉर्ड तोड़ना पड़ेगा। बट अगर पानी के नीचे के विजुअल्स को भी छोड़ें तो बाकी की मूवी को विजुअली एक्यूरेट बनाते हैं इसके डस्क वाले शॉट्स। मतलब सच में शाम का लाल आसमान किसे नहीं पसंद, और जहाँ ये दोनों नहीं है वहाँ इन्होंने सोलर एक्लिप्स और नाइट स्काई में प्लैनेट्स के क्लोजअप शॉट्स दिखाए हैं। और रही सही जो कसर थी उसे इनके टाइटैनिक वाले एक्सपीरियंस ने पूरा कर दिया। मेरा मतलब केट से नहीं है, वो तो है ही, बट फाइनल बैटल की जो सिंकिंग शिप वाले सीन है वो तो मैं टाइटैनिक की ज़रूर याद दिलाएंगे। उसके अलावा मूवी थोड़ी लंबी ज़रूर है बट वर्थ है सिनेमा एक्सपीरियंस के लिए। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं रैप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन फॉलो द ओमनीवर्स गाइड।